everyone, welcome to Smart Learning with Saloni. तो previous class में हमने chapter 8 trigonometry के 10 MCQs complete करे थे. इस class में हम उसी को continue करने वाले हैं. Question number 11 थी, if x is equal to 2 sin square theta and y is equal to 2 cos square theta plus 1, then the value of x plus y is. यहाँ पे हमें x की value given है 2 sin square theta. y की वैल्यू केवल है 2 cos square theta plus 1. हमें फाइंड करना है x plus y. x की जगह पे हम रखेंगे 2 sin square theta plus y की जगह रखेंगे 2 cos square theta plus 1. अब यहां पर दोनों टर्म में से हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं, तो क्या बचेगा sin square theta plus cos square theta plus में 1. अब ये क्या होता है, sin square theta plus cos square theta आइडेंटिटी होती है. sin square theta plus cos square theta equal to 1. तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 multiply 1 plus 1. 2 1 जा 2 plus 1 3. आंसर क्या आएगा, x plus y का 3. ऑप्शन डी इज करेक्ट. आई होप ये आपको क्लियर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, इफ x इज इक्वल टू a sin theta एंड y इक्वल a cos theta, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. यहां पे हमें x की वैल्यू दी है, y की वैल्यू दी है, हमें फाइंड करना है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. x स्क्वायर हम निकाल लेते हैं, x का स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर sin स्क्वायर theta. y का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर cos स्क्वायर theta. हमें फाइंड क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. एक्स स्क्वायर हमने निकाला, ये हो गया ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर आया ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा. दोनों में से हम कॉमन क्या निकाल सकते हैं, ए स्क्वायर को. ए स्क्वायर हम कॉमन निकालेंगे तो रिमेनिंग क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा. साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अभी बताया था आइडेंटिटी होती है, ये किसके इक्वल होता है, वन के इक्वल. तो ए स्क्वायर मल्टीप्लाई वन, ए स्क्वायर इंटू वन क्या हो गया ए स्क्वायर. आंसर ऑप्शन में ऑप्शन बी इज करेक्ट. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या आया, इक्वल टू ए स्क्वायर. आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 थे, गिवन दैट साइन अल्फा इज इक्वल टू 1/2 एंड कॉस बीटा इक्वल टू 1/2, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज. यहाँ पर साइन अल्फा दिया है हमें इक्वल 1/2. अब साइन की वैल्यू 1/2 कब आती है, जब साइन 30 डिग्री होता है. तो हम इसे लिख सकते हैं साइन अल्फा इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री. यहां साइन से साइन कैंसिल तो अल्फा हमें मिल गया 30 डिग्री. अब कॉस बीटा दिया है, कॉस बीटा इक्वल 1/2. कॉस की वैल्यू 1/2 कब आती है, 60 डिग्री पर. तो कॉस बीटा इक्वल टू कॉस 60 डिग्री लिख सकते हैं हम. कॉस से कॉस कैंसिल, बीटा इक्वल टू 60 डिग्री. यहां पे हमारे पास अल्फा और बीटा की वैल्यू आ गई. हमें निकालना क्या है, अल्फा प्लस बीटा. तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल 30 प्लस 60 इक्वल 90 डिग्री. आंसर क्या हो गया, 90 डिग्री. ऑप्शन डी इज करेक्ट. आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 थे, इफ कॉस अल्फा अपॉन में कॉस बीटा इक्वल टू एम एंड कॉस अल्फा अपॉन में साइन बीटा इक्वल टू एन, देन एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर बीटा इज. यहाँ पे हमें एम एन की वैल्यू दी है और इस कंडीशन में एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर फाइंड करना है मल्टीप्लाई में कॉस स्क्वायर बीटा. तो पहले हम इसको देखते हैं, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर. एम स्क्वायर एम की वैल्यू को स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन में कॉस स्क्वायर बीटा प्लस एन स्क्वायर. एन की वैल्यू को स्क्वायरिंग करेंगे तो कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन में साइन स्क्वायर बीटा. अब यहां पर ऊपर दोनों में क्या आ रहा है, कॉस स्क्वायर अल्फा, इसको हम कॉमन निकाल देते हैं. तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा, अंदर क्या बचा, वन अपॉन कॉस स्क्वायर बीटा प्लस वन अपॉन साइन स्क्वायर बीटा. कॉस स्क्वायर अल्फा एलसीएम ले लेंगे यहां पे, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर बीटा
इंटू साइन स्क्वायर बीटा कॉस अल्फा। अब साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा क्या होता है, वन, वन इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन में कॉस स्क्वायर बीटा इंटू साइन स्क्वायर बीटा। अब ये वैल्यू अभी तक हमारी क्या निकली है, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की, तो यहां हम लिख देते एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन में कॉस स्क्वायर बीटा इंटू साइन स्क्वायर बीटा। अब अभी तक हमारी वैल्यू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर निकली है, हमें और क्या निकालना है, मल्टीप्लाई में होना चाहिए कॉस स्क्वायर बीटा, तो हम बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं कॉस स्क्वायर बीटा का, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर बीटा में इक्वल कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन में कॉस स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर बीटा मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर बीटा। कॉस स्क्वायर बीटा से कॉस स्क्वायर बीटा कैंसिल हो गया। अब हमारे पास वैल्यू क्या बची, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन में साइन स्क्वायर बीटा। अब कॉस अपॉन में साइन कहां पर था, एन की वैल्यू, उसका क्या हो गया, स्क्वायरिंग हो गई है, मतलब इक्वल किसके हो गया, एन स्क्वायर के, तो एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू एन स्क्वायर। आंसर में चेक करेंगे ऑप्शन बी इज करेक्ट, मतलब एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर बीटा की वैल्यू क्या आई, एन स्क्वायर। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 दे फाइंड साइन थीटा माइनस टू साइन क्यूब थीटा अपॉन में टू कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, यहाँ है साइन थीटा माइनस टू साइन क्यूब थीटा, तो इन दोनों में से हम साइन थीटा को कॉमन निकाल सकते हैं, अंदर क्या बचेगा, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा होल के अपॉन में टू कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, दोनों में से कॉस कॉमन निकाल लेते हैं, अंदर बचेगा टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। अब साइन थीटा ब्रैकेट में वन माइनस टू, अब साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, एक आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, साइन में चेक करते हैं साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो हम साइन स्क्वायर थीटा की जगह वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा पुट कर सकते हैं, तो यहां हम लिख लेते हैं वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होल के अपॉन में कॉस थीटा ब्रैकेट में टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। साइन थीटा बाय कॉस थीटा ये हो जाएगा टेन थीटा। अब यहां पर वन माइनस टू बन जा टू माइनस माइनस प्लस टू कॉस स्क्वायर थीटा होल के अपॉन में टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, टेन थीटा ब्रैकेट में वन माइनस टू माइनस वन प्लस टू कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। दोनों कंडीशन सेम आ गई, टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, दोनों कैंसल, रिमेनिंग क्या बचा, टेन थीटा, तो वैल्यू क्या आ रही, टेन थीटा। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज करेक्ट। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है सिंप्लीफाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू वन माइनस साइन थीटा इंटू वन प्लस साइन थीटा। वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा तो आइडेंटिटी होती है, ये क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई। अब यहां पर हम देखें तो दोनों कंडीशन सेम है, बस प्लस माइनस में, मतलब ये क्या है ए माइनस बी, ए प्लस बी की आइडेंटिटी लग जाएगी, क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर वन का स्क्वायर वन माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा। बस यहां पे आइडेंटिटीज याद रखना है, ये सब इजीली हो जाएगा, sec square theta into cos square theta ये किसके बराबर होता है 1 के, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट।
आई होप कि आपको क्लियर होगा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 थे, इफ 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। अब यहां पे कंडीशन क्या दी है, 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू है। अब यहाँ पे प्लस होता तो इजीली हो जाता, लेकिन यहाँ पे 2 भी कॉमन ही निकल रहा है, प्लस में भी नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 3 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 इक्वल में जाएगा प्लस 1 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 3, ये 3 डिवाइड में गया, 3 से 3 कैंसिल 1 बचा। अब यहां आ रहा है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 है, यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लगेगा, स्क्वायर रूट 1 1 ही रहेगा, तो साइन थीटा किसके बराबर हो गया, 1 के। साइन थीटा इज इक्वल टू 1 कब आता है साइन में वैल्यू 90 डिग्री पर, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे साइन 90 डिग्री, साइन से साइन कैंसिल, थीटा की वैल्यू क्या आ गई 90 डिग्री। ऑप्शंस में देखेंगे, ऑप्शन डी इज करेक्ट। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 थे, इफ 7 साइन स्क्वायर ए प्लस 3 कॉस स्क्वायर ए इक्वल 4 देन टेन ए इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या दिया है 7 साइन स्क्वायर ए प्लस 3 कॉस स्क्वायर ए इक्वल 4 ए, हमें फाइंड करना है टेन ए की वैल्यू। यहां पर हम लिखते हैं 7 साइन स्क्वायर ए प्लस 3 कॉस स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल 4, पूरे टर्म को हमने साइन में कन्वर्ट कर लिया। अब 7 साइन स्क्वायर ए प्लस 3 का मल्टीप्लाई अदर 3 बन जा 3 प्लस माइनस माइनस 3 साइन स्क्वायर ए इक्वल 4, 7 साइन स्क्वायर ए माइनस 3 साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर ए इक्वल 4, 3 इक्वल में गया माइनस का 3, 4 साइन स्क्वायर ए इक्वल 4 में से 3 गया 1, साइन स्क्वायर ए इक्वल 1 बाय 4, यहां से स्क्वायर हटेगा रूट लगेगा, तो साइन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 बाय 2। अब साइन ए हमारे पास आ गया 1 बाय 2, 1 बाय 2 का वैल्यू होती है साइन की साइन 30 डिग्री पर, साइन ए इक्वल साइन 30 डिग्री लिख सकते हैं इसकी जगह हम, साइन से साइन कैंसिल तो ए की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। हमें फाइंड क्या करना है टेन, ए की जगह वैल्यू रखते हैं टेन 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1 बाय रूट 3, तो टेन ए की वैल्यू क्या है 1 बाय रूट 3, ऑप्शन ऑप्शन डी इज करेक्ट। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 थे, इफ टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2, थीटा इज एन एक्यूट एंगल देन टेन क्यूब थीटा प्लस कॉट क्यूब थीटा इक्वल, यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल 2 देख रखा है, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू गिवन है हमें, हमें फाइंड करना है टेन क्यूब थीटा प्लस कॉट क्यूब थीटा। अब यहां पर हम इसे लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इसको इक्वल में ले आएंगे तो माइनस 2 इक्वल 0। अब यहां पर 2 के साथ मल्टीप्लाई में 1 है, तो 1 की जगह पर हम यू लिख सकते हैं टेन थीटा कॉट थीटा, तो ये क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 2 इंटू 1 लिख सकते हैं इसे, और 1 की जगह पे हम क्या लिखेंगे 2 टेन थीटा कॉट थीटा इक्वल 0। अब ये हमें आइडेंटिटी दिख रही है, किसकी आइडेंटिटी हो गई टेन थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल 0, स्क्वायर यहां से हटेगा रूट लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा टेन थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल 0, कॉट थीटा को इक्वल में ले जाएंगे तो टेन थीटा इक्वल कॉट थीटा। अब टेन थीटा और कॉट थीटा कब इक्वल होते हैं,
जब दोनों 45 डिग्री होते हैं, तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 45 डिग्री। यहाँ पे हम प्लेस करते हैं, हमें फाइंड करना है टेन क्यूब थीटा प्लस कॉट क्यूब थीटा। टेन क्यूब 45 डिग्री प्लस कॉट क्यूब 45 डिग्री। टेन 45 वन होता है वन का क्यूब प्लस कॉट 45 वन होता है वन का क्यूब, तो ये क्या हो जाएगा वन प्लस वन टू। टेन क्यूब थीटा प्लस कॉट क्यूब थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है टू, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। आई होप कि आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 थे, इफ एक्स इक्वल ए कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा एंड वाई इक्वल बी वन माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा देन एक्स वाई इज इक्वल टू। एक्स वाई हमें फाइंड करना है, एक्स और वाई यहाँ देके रखा है, एक्स वाई वैल्यूज पुट करते एक्स की जगह पर ए कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, वाई की जगह पर बी मल्टीप्लाई में बी वन माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। अब यहां पे कॉसिक को हम लिख सकते हैं वन बाय साइन और कॉट को लिख सकते हैं कॉस बाय साइन। ए मल्टीप्लाई में वन बाय साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा। बी को हम आगे ले आते हैं तो ये क्या हो जाएगा ए बी, क्योंकि पूरी कंडीशन मल्टीप्लाई में यहां पे क्या है वन माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, ये मल्टीप्लाई में ए बी। अब यहां पे एलसीएम लेंगे तो साइन दोनों का कॉमन है साइन थीटा, ऊपर क्या बचा वन प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाई वन माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा इक्वल ए बी। अब यहां पर आइडेंटिटी दिख रही है हमको ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर मतलब वन का स्क्वायर वन और बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर थीटा इक्वल ए बी। वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा, दोनों कैंसल क्या बचा ए बी। तो एक्स वाई का आंसर क्या आया ए बी, ऑप्शन डी इज करेक्ट। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, इफ 5x इज इक्वल टू कोसेक थीटा एंड 5 अपॉन x इक्वल टू कॉट थीटा देन 5 मल्टीप्लाई x स्क्वायर माइनस 1 बाय x स्क्वायर इज। यहां पर 5x इक्वल कोसेक थीटा है, फाइव को हम डिवाइड कर ले जाते हैं तो एक्स इक्वल टू कॉसेक थीटा अपॉन में फाइव, यहां से हमको एक्स की वैल्यू मिल गई एक्स चाहिए। अब वन अपॉन एक्स तो इसको लेते हैं हम फाइव अपॉन एक्स इक्वल कॉट थीटा है, फाइव को डिवाइड मिले जाएंगे तो क्या बचेगा वन बाय एक्स इक्वल टू कॉट थीटा बाय फाइव। अब वैल्यूज यहां पे पुट करते सॉल्व करना है हमें फाइव मल्टीप्लाई में एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा फाइव मल्टीप्लाई में एक्स स्क्वायर कॉसेक थीटा अपॉन फाइव का होल स्क्वायर, कॉसेक थीटा अपॉन फाइव का होल स्क्वायर माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर, वन बाय एक्स स्क्वायर कॉट थीटा बाय फाइव का होल स्क्वायर। वन बाय एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या रखी हमने कॉट थीटा बाय फाइव का होल स्क्वायर। अब फाइव ब्रैकेट में ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस यहां पे फाइव फाइव जा 25, ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन में फाइव फाइव जा 25, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है फाइव ब्रैकेट में दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, यह आइडेंटिटी होती है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है वन के बराबर अपॉन में 25, फाइव वन जा फाइव 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 जा 25, तो आंसर क्या आया वन बाय फाइव, ऑप्शंस ऑप्शन सी इज करेक्ट है। यहाँ पे हमारा ट्रिग्नोमेट्री के एमसीक्यू सारे कंप्लीट हो गए हैं। आई होप यू लाइक माई वीडियो, इफ लाइक माई वीडियो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।